चले क्यों नहीं गए, धरती पे बोझ कम हो जाता। धरती पे बोझ, आई लाइक इट। देखिए सक्सेना जी, हम यहाँ के लोकल टीचर हैं, समझे, इसलिए आप ये इस ग्रांट को भूल जाइए। हमें यहाँ के लोगों का नस पता है। मुझे भी यहाँ के लोगों की नस पता है, और मैं लोकल नहीं, मैं इंटरनेशनल टीचर हूँ, और मुझे बहुत अच्छे ढंग से पता है कि यहाँ के मॉडर्न कॉलोनी के प्रौढ़ लोगों को कैसे पढ़ाना है। आपसे बहुत बेहतर जानता हूँ मैं। अरे यार, किस विषय पर बहस चल रही है? भैया, सरकार ने साक्षरता की ग्रांट इशू किया है, समझे। इसमें क्या होगा, हर विधानसभा क्षेत्र से एक मास्टर चुना जाएगा, और जो मास्टर चुना जाएगा ना, उसको 50 लाख रुपया का ग्रांट मिलेगा। मैंने कहा भाभी जी, अब इतनी खफा क्यों हैं? आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप बहुत खफा हैं। कहाँ बताएं भरभूति जी, देखे ना, उन लड्डू के भैया हमेशा ही हमरा खिल्ली उड़ाते हैं और बोलते हैं कि हमरा पॉल्यूशन अच्छा नहीं है। भाभी जी, इट्स नॉट पॉल्यूशन, इट्स प्रोनंसिएशन। सही पकड़े हैं, वो बोलते हैं कि हमरा उच्चारण ठीक नहीं है और हमेशा मजाक उड़ाते हैं। मैं एक दिन आपके लड्डू के भैया का लड्डू फोड़ ही दूंगा। बाय गॉड, हाय दिया, ऐसा काहे बोलते हैं, वो हमारे पति हैं। जाने दीजिए, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। भले वो आपकी बेइज्जती करें, खिल्ली उड़ाएं, आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन हमेशा आप उनकी आरती उतारते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा कुछ नहीं भैया, देखिए आपको क्या, पूरे दुनिया को पता है कि हम कितने बड़े संस्कारी शिक्षक हैं, इसलिए हम अपना हक समझें और हम ग्रांट के लिए अप्लाई कर दिए। अरे तो मैंने अप्लाई करके गुनाह कर दिया क्या? मैं भी एक काबिल प्रोफेसर हूँ, मेरा भी हक है 50 लाख की ग्रांट पर। लेकिन पहले मेरा हक है, और वो जो सरकारी अधिकारी है ना, बाबू बाबू बाबू, वो हमको बहुत पसंद भी करते हैं। उनको लगता है कि आप विश्वास है कि हम बहुत काबिल शिक्षक हैं। पर मास्टर जी, हकीकत तो यही है कि आपकी नजर 50 लाख की ग्रांट पर है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, लोगों को भविष्य सुधारना हमारा मकसद है। एक मिनट, ये जो सरकारी अधिकारी बाबू 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 है, ये रहते कहाँ हैं? ये भैया, आपने वो अफीम कोठी है ना, तो अफीम कोठी के पीछे एक गधे का स्टैचू है। हाँ, वो तो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है ना। आप जानते भैया, उसके बारे में कहावत है कि एक गधा था, वो एक अंग्रेज ऑफिसर की पिछवाड़े में ऐसा लात मारा कि उसका बरसों पुराना दर्द ठीक हो गया। तो ये ऑफिस जो है वो वही है, वो सरकारी अधिकारी का, अफीम कोठी के पास? हाँ भैया, वही है। ये जो अफसर है, ये वो दौलतपुर के है क्या? हाँ भैया, वो दौलतपुर के ही है, लेकिन हमको इससे क्या, हमको तो ग्रांट से मतलब है। अरे मास्टर जी, आप नहीं चला पाएंगे। अरे सच ये है मास्टर जी, आपको सच बता दूं, कोई देखने नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, ओके? और जितने भी लोग हैं ना, जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है, सब सिर्फ इसी चक्कर में है कि 50 लाख की ग्रांट मिल जाए, यही सच है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? संस्कार का तो पता नहीं, पर सरकार की ग्रांट में लेकर रहूंगा। आई लाइक इट। सर जी, सर जी एक साइन करने थे। क्या आदमी हो यार, तो मतलब खुद लड्डू खाओगे और मुझसे सूखे सूखे साइन करवाओगे? सर जी, वो कैश नहीं है हमारे पास अभी। तो ये कर दो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि छुट्टा नहीं है, कि कैश नहीं है। नहीं, ये ठीक रहेगा सर जी। कितना सर जी? पर साइन 1000। 1000 रुपया एक साइन का हो गया। लो, ये भी हो गया। थैंक यू सर। हैव लड्डू। मैं बाबूलाल जी, पहचाना आपने हमें? अरे खसोटे जीजा के भाई की शादी में मुर्गा डांस। और आपका वो नागिन डांस? हाँ जी। तुमको मुझसे कोई काम है, इसलिए अपना रिश्ता कोई जोड़ रहे हो?
अगर ऐसी बात है तो अरे तिवारी जीजा तुम्हारा डांस दिल पर थप गया मेरा यार क्या बताएं, इतने दिन से कुछ संजोगी नहीं बना मेरा भी यार, मतलब कोई संपर्क ही नहीं है बंटी भाई से। नहीं वो कुसुम कली मौसी, उनकी तो डेथ हो गई थी, तो वो बंटी का फोन आया था, उसे बवासीर हो गई थी तो उसे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर का नंबर चाहिए था। कितना समझाया मैंने बंटी को कि भाई दारू वारू कम पियो, सुनता ही नहीं। हमने भी यही कही थी, माने ही नहीं। चल छोड़ो वो सब, भैया मैं तुमको बता नहीं सकता यार, इतनी खुशी हो रही है मतलब कानपुर में अपना भी कोई रिश्तेदार है जी। कुछ काम था वो हमने सुनी थी कि आप कुछ वो ग्रांट विरांट देते हैं कुछ ऐसा। अरे यार जीजा, ग्रांट है कोई प्रसाद थोड़ी है कि हर किसी को बांटते फिरे। नहीं देखो, ग्रांट तो क्या काबिल लोगों को दी जाती है या फिर उन लोगों को दी जाती है जो किसी अधिकारी के रिश्तेदार हों। क्या बात है, अरे बहुत खुशी हुई है सुन के। तो हम तो प्यासा कुएं के पास जा रहा था, यहाँ तो कुआं खुदाई प्यासे के पास चला आया। तो भाई जीजा ये बताओ, कुएं से सिर्फ पानी चाहिए और कुछ भी चाहिए? नहीं, दरअसल हम चाह रहे थे कि अगर इसी तरह की कुछ ग्रांट अंगूरी के नाम पे मिल जाती तो। जी जी ठीक है, ये कितनी पढ़ी लिखी है जी? जी काफी काबिल है। अच्छा हाँ भाई, उनकी काबिलियत के किस्से तो पूरे शहर में मशहूर है जी। बाकी आपकी कृपा दृष्टि दे दी जाओ दीदा, ग्रांट दे दी। इन शब्दों में शुक्रिया अदा करे आपका, समझ में नहीं आ रहा। खाना खिलाया तुमने, आत्मा तृप्त हो गई। दीदा तुम्हारे घर इतना टेस्टी खाना मैंने अकबर के यहाँ भी नहीं खाया। माफ कीजिएगा, आपकी उम्र इतनी लगती नहीं है। अकबर मेरा ड्राइवर है। ओहो बहुत अच्छा खान साम आया जी यार, तुम भी यार। थोड़ा अच्छा बाबू भैया, एक तो बात बताइए हमको, ई लड्डू के भैया आपके जीजा कब से हमरा मतलब कैसे हो गए? वो जो दोगुआ वाली कुसुम कर लीजिए ना, उनका बेटा है बंटी, उसके ससुराल है वो धुर्रा प्रेम नगर में। अब बंटी भैया के जो गहन टोली वाले साले है ना कमलेश, उनका मैं साला हूँ। वो है ना तिवारी जीजा मेरे जीजा। आइडिया बहुत ही कंफ्यूजन वाला रिश्ता है ये। तो कंफ्यूजन कहना चाह रही है, ऐसे ही पकड़े हैं। जीजा गालिब कहते हैं, इरशाद नहीं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। मैं एक बार जरूर कहता हूँ, क्या रिश्तों में जब तक कंफ्यूजन ना हो ना साला रिश्तों का मजा नहीं आता। क्या बात है, रिश्तों में कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है। क्या सच्ची बात कही आपने, वाह वाह। या हर जरूरतमंद आदमी को सरकारी मुलाजिम की कही हर बकवास बात बड़ी सच्ची लगती है। बहुत सही, बड़े मजाकिया किस्म के इंसान है यार आप। अच्छी, और बताइए घर में सब कैसन बा बाबू भैया? बिल्कुल हमारे जैसन बा। एकदम सज्जन सज्जन। माता पिता कैसे, उनसे कभी मिलवाइएगा हमें? हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। आइडिया, आप दोनों जीजा साले का आप प्रेम देख कर ना हम बहुत सेंशल हो रहे हैं। कुछ भी वो इमोशनल कहना चाह रही है, ऐसे ही पकड़े हैं। देख रहे हैं सक्सेना जी? जी हाँ देख रहा हूँ, मुझे इस रिश्ते में से थोड़ी सी बदबू सी आ रही है। अरे यार हमें तो खुशबू सी आ रही है। हेलो सर। हेलो सर। एक यहाँ अचानक काय घुसे चले आया यार, घर में रिश्तेदार आए हैं, दिखाई नहीं दे रहा क्या? भैया आपके ये जो रिश्तेदार साहब है ना, ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, टीचिंग ग्रांट बगैर इनके सिग्नेचर के पास ही नहीं हो सकता। तिवारी भैया
इनसे साइन प्लीज करवा दीजिए। अबे लौंडो, अगर मेरा और फ्रेम का जो स्टार्टअप अगर फेल ना होता ना, तो बाय गॉड मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड का बेस्ट बेस्ट से बेस्ट जहर ला के देता। मेरा मतलब है मैं तुम्हें वर्ल्ड के बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खिलाता। सारी प्रॉब्लम यह है कि लास्ट मोमेंट पर सारा वो जो प्रेम है ना वो मुकर गया। अरे सेठ जी, किसी के मुकरने पर अब क्या गिला शिकवा, हमसे तो हमारा रवि मुकरा हुआ है। अरे ना बेटे ना, ऊपर वाले को ऐसे दोष नहीं देते, तुम खुद ही अपने गुर्दों में उंगली करते हो। ये लो मेरे बेटू, मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में खिला रहे तिवारी जी, ये गलती से बाप तो नहीं बनने वाले हैं? सुनो नो एस्कॉर्ट। सिर्फ यही एक विचार आपके दिमाग में आता है क्या? सिर्फ बाप बनने की खुशी में ही मिठाई खिलाई जाती है? तो फिर सेठ जी क्या कोई बहुत बड़ा ऑर्डर लग गया तुम्हारे हाथ? जालिम, मुको तो लगता है कोई अट्टा पंजो लगो होएगो भैया। अरे तिवारी जी, किस खुशी में खिला रहे मिठाई ये तो बताइए। सुनेंगे तो आपको फाकते उड़ जाएंगे। उड़ाइए ना, हमें ग्रांट मिल गई है भैया। ग्रांट जे का होती है? इस तरह का शब्द मैंने पहले सुना तो है, लेकिन जे शब्द पहली बार सुन रही हूँ। ग्रांट, छोटे एक चाय पिलाया। ये लीजिए भैया, भैया 6 महीने का उधार बाकी है। अरे दे देंगे यार, कौन सा भाग रहे तेरे पैसे ले गए। भैया आप नहीं देंगे तो भाभी जी से मांग लूंगा जाके। तो अनुसू क्यों मांगेगा बे, व्यवहार तेरा और मेरा है ना। लेकिन आप व्यवहार बना के कहाँ रखते हैं भैया? एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तू क्या कहना चाह रहा है? मतलब हमने व्यवहार नहीं बनाया, तेरे पैसा खा गए हम? अगर आप पैसा मान लेंगे ना तो मैं भाभी जी से जाके मांग लूंगा। तो बड़ा बदतमीज आदमी यार, बात आते मेरी बीवी को घसीट रहा है बीच में। अरे नाम लिया कंबा, बीवी का फोन आ गया। हेलो बेबी, व्हाट्स अप? ये बेबी बाबा गया, वो तुम्हारी जाहिल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, घुइया के खेत में। तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? तुम इतना भड़क क्यों रही हो यार? मुझे अफसोस है विभू कि मेरे भड़कने का भी तुम पर कोई असर नहीं होता है। तुम अब कितने घड़े हो गए हो। बेबी क्या 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 कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। व्हाई आर यू सो अपसेट? अनु मेरी बात सुनो, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? लंदन से, अमेरिका से? क्यों रही बात बात पे यार, मैं आ रहा हूँ ना, आई एम कमिंग। तुम जहाँ भी हो अभी के अभी फौरन घर पहुँचो। हाँ बाबा आ रहा हूँ, सब्र रखो यार। मेरे सब्र के प्याले और नाले सब ओवरफ्लो हो चुके हैं, तुम अभी घर पहुँचो। ओके आई एम कमिंग। काट दिया। मालूम है भाभी जी कुछ घड़े के बारे में बात कर रही थी ना। एक्चुअली वो घर में आ रही है ना, तो कह रही थी कि एक अच्छा सा घड़ा ले आना। भैया कौन सा घड़ा? चिकना घड़ा? काम पे ध्यान दे अपने। सक्सेना जी, आप तो उनको हमेशा से माँ मानते आए हैं। भैया मास्टर जी, आप भी तो बहुत इज्जत करते हैं भाभी माँ की। क्यों नहीं करते, बहुत इज्जत करते हैं, हम तो उनको देवी स्वरूप मानते हैं। पर भाभी माँ ने मदर इंडिया की नरगिस की तरह जिस अंदाज से अपने बेटे की पीठ पर गोली मारी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि वो माँ नहीं, सिनेमा है। हम लोगों का रोजगार छीनकर हमारे पेट पर लात मारने का जो पाप की है ना, हम तो यही कहेंगे भाभी जी पवित्र पापिनी है। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, ये किस भाभी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे? अरे विभूति भैया, और किस भाभी जी के बारे में बात करेंगे, अपनी अंगूरी भाभी जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे आप हम सब सीधा साधा समझते थे ना, वो एक नंबर की फ्रॉड और जालसाज निकली हैं। यार कैसी बात कर रहे हो यार तुम जीजा, मतलब बाबू के होते हुए तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है बाबू के पीछे लाइन लगी हुई है लोगों की। अरे बाबू ने इसकी ग्रांट मार ली, उसकी ग्रांट मार ली, और सच तो यह है कि बाबू ने बहुत लोगों की ग्रांट मार ली। आओ आओ, बिल्कुल सही कही। असल में तुम्हारी शक्ल देख के पता चलता है कि तुम कितने बड़े ग्रांट मारू हो। आओ आओ, हमें तो जो भी पता है कि तुम लोगों की ग्रांट मारने को कोनो मौको भी न छोड़ते होगे।
सुनो था ना बाबू भैया, एक बेहतरीन सी ग्रांट हमें भी दिलवाओ ना ससुर। आ गए अपनी असलियत पे। काय? इसीलिए हम आपको किसी भी चीज में शामिल नहीं करते। आपको उंगली पकड़ाने को इसको तुरंत गला पकड़ लेते हो। कोई बात या तुम रहिया जीजा एकदम रहिया। नहीं मतलब दरोगा यार, एक बात तो है यार, तुम चीज बहुत पहुंची हुई हो। हम तो सिर्फ पहुंची भाई चीज है महाराज, तुम तो हमसे भी बड़े वाले हो। अगर हम पहुंची भाई है तो तुम ससुर पहुंच के लौटी भाई चीज हो। सारे सारे बाबू भैया, थोड़ा सा देरी हो गया। हाँ उका है ना, गैस ना ही चल रहा था ठीक से, फिर उनको चालू किए और अच्छे से पका कर लाए। अरे जीजी कैसी बात कर रहे हो, मतलब अरे पकौड़े पीलो पीलो, कच्चे हो या पक्के हो आने दो। ऐसा है बाबू को तो खाने से मतलब है, चाहे कच्चा हो या पक्का हो। क्यों जीजा? कितने दिन से भूखे हो? हमें तो जन्मों से भूखे लग रहे हैं। देखो जीजा ऐसा है, जब तक भूख है तब तक जीवन, एक बार भूख खत्म तो लाइफ खत्म, समझे? चलो काम की बात कर लेते हैं। ऐसा देखो यार, तुम कोई सलूशन बता रहे थे तुम ये जीजा की ग्रांट को बचाने का, क्या था यार? मामे ऐसु है कनक सु, तुम सुनो, थोड़ी सी नाटक करने पड़ेगू, दो चार टैया स्टूडेंट पकड़ने पड़ेंगी, पकड़ने का ससुरा जब मोहल्ला में तो वैसे ही लौंडा लपाड़ी फेरी फंड में ई कमल खान टिल्लू टाइप के जो लौंडा है ना सारे, 1,500 रुपया में बिक जाते हैं, तो काम बन जाएगा। हैं तिवारी सही है ना? अरे तो की भैया ये सब क्या चल रहा है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम इन चीजों की तरफ ध्यान मत दो। यार जीजा ऐसा लग रहा है ये जीजी के अंदर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की आत्मा आ गई। आ गई हो नहीं, ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन कहे कबों कबों बाहर आती है, लेकिन भैया तिवारी हमारे बहुत बड़े वाले हैं, तुरंत शांत कर देते हैं। टेंशन न लियो, टेंशन न लियो। काका शांत काका बोल रहे हैं, और देखिए ये सब क्या चल रहा है, आपको हमको बताना पड़ेगा लड्डू के भैया। यार जीजी ऐसा है, तुम शांत रहो प्लीज, हम देखो हाथ जोड़ रहे तुम्हारे। यार जीजा समझाओ यार जरा जीजी को। ओ, देखो पगली क्या है कि हमने इन दोनों को पैसे दिए हुए हैं, पैसे। चलिए वो ठीक बा, लेकिन सत्यवादी का सवाल कहाँ से उठा, और वो दारोगा जी ऐसा कहे बोले रहे कि आप हमारे अंदर के राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी को दबा देते हैं। क्या था कि वो दारोगा जी से हमने कहा कि अगर आपने हमारे पैसे वापस नहीं दिए तो हम आप पे केस कर देंगे। तो वो कहने लगी कि अंगूरी भाभी तो राजा हरिश्चंद्र है, सच बोल के बचा लेंगी। एक बार फिर समझाते हैं, हमने दरोगा जी से कहा कि हमारे पैसे वापस कर दो, अन्यथा हम आप पे केस कर देंगे। तो दरोगा जी क्या बोले? वो बोले कि अंगूरी भाभी जो है राजा हरिश्चंद्र है, और वो सच बोल के तिवारी जी को बचा लेंगी। देखिए पहला बात अलग बा, दूसरा बात अलग बा, इन दोनों बातों में कोनो तालमेल ही नहीं है। एक बार हम फिर समझाते हैं, हमने जो है वो अभी 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 हम बाद में समझते हैं, ब्रेड पकोड़े जल रहे हैं। क्या चल रहा है? सॉरी सॉरी तुम साले जी, सॉरी सॉरी। अरे नहीं कोई बात नहीं, क्या बात कर रहे हो, सॉरी से एक बात है यार, ये जी जी बहुत हठी है नहीं। जी, एक बार हठी बीवी को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन बॉडम बीवी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ना ना तिवारी तुम्हें तो गलत हो, फैक्ट बात तो जा है, कैसी भी हो बर्दाश्त तो बिल्कुल होती ही नहीं है। कैसी भी यार मतलब दरोगा तू तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम्हारी गृहस्थी की बगिया में कई सारी बीवियों की बेले लपेटे मार रही। ऐसू है हमारी बीबी जो है ना, एक ही 10 थैया के बराबर है, बामे किसम किसम की मतलब वैरायटी है, सर्व गुण गुण घुसे पड़े है ना बामे। यार कभी मिलवाओ भाभी से। क्या बोल रहे हैं आप लड्डू के भैया,
आप हमको चीटर बनाना चाहते हैं? चीटर नहीं, टीचर होता है। गलत पकड़े हैं, हम चीटर ही बोल रहे हैं। अरे इसमें चीटिंग की तो बात ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ अशिक्षित लोगों को अ आ ई ई उ ऊ पढ़ाना है। लेकिन हमको ई अ आ ई ई उ ऊ याद भी तो रहना चाहिए ना, हम ओ सारा वर्णमाला भूल चुके हैं। वर्णमाला? अरे वर्णमाला होता है। सही पकड़े हैं, हम जब खुद ही ना याद है तो दूसरों को कौन सिखाएंगे? अगली तुम्हें सिखाने विखाने की जरूरत नहीं है। अब भाई तो आप बोल रहे हमको कि अशिक्षित लोगों को अ आ ई ई उ सिखाना है। अरे तुम्हें सिर्फ कुछ सरकारी अधिकारियों के सामने पढ़ाने का एक्टिंग करना है। एक्टिंग भी करना पड़ेगा? हमरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमको बोल रहे थे कि अब अगली तुमको अ अ इ इ ओ ओ सिखाना है, अब बोल रहे हैं कि एक्टिंग करना है। हाँ, का है ये सब? अरे यार इस बौड़म औरत को कौन समझाए। आका बोले, देखो हम तुम्हें साफ साफ कह देते हैं कि ये जो सरकारी अधिकारी आए थे ना, शिक्षा डिपार्टमेंट से थे और हमारे पुराने रिश्तेदार हैं। इन्होंने कैसे भी जुगाड़ करके हमें जो है ये ग्रांट, मतलब ये मौका दिलवाया है। का मौका? बैल की शक्ल का आदमी पौधों को पानी दे रहा है, डरा रहा है। मस्त मस्त तू तिवारी जी, प्लीज गाइए मत, गाइए मत प्लीज। आप सुर में नहीं है बल्कि आप असुर है, असुर। और दूसरी बात ये कि आप ये गा के पौधों को यातनाएं मत दीजिए। ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी के पौधों को पानी देने की? अरे इसमें हिम्मत की क्या बात है भाई, हमारा आंगन है, हमारे पौधे हैं। भाभी जी कहाँ? भाभी जी कहाँ? भाभी जी कहाँ? नहीं नहीं भाभी जी है कहाँ? भाभी जी कहाँ? अरे भाई इतना तूफान काहे मचा रहे हो, वो अंदर किसी और कामों में व्यस्त है। तो भाभी जी का बुलाइए उनको, भाभी जी कहाँ है? अरे देखिए ऐसा है, आप अपनी इस फालतू की बकवास करने के चक्कर में कहीं अपनी कमाई का मौका ना गंवा दें, इसलिए चुप रहिए। वेल बाय द वे, कैसा मौका? देखा आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। माफ कीजिएगा, इस ऊंट की गर्दन इतनी लंबी है कि आपके पहाड़ को काट लेगी, समझे ना। हाँ मुद्दे की बात पे आइए और सुनिए, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू वेस्ट करने का, कम टू द पॉइंट। मुद्दा ये है भभूति जी कि आपको अंगूरी को पढ़ाना है। इतनी जल्दी? अरे रे, थोड़ी सी बुढ़ी हो जाती, लाठी लेके चलती, कमर उनकी झुक जाती, तब पढ़वाते। क्यों फालतू की बकवास कर रहे हैं यार, एक एक मुश्किल आ गई है इसलिए कह रहे हैं, कहें तो आप उसकी फीस देंगे? Excuse me, you can't buy me, आप मुझे खरीद नहीं सकते, मुझे कोई फीस की जरूरत नहीं है आपके, समझे? तो ठीक है, सड़ने दीजिए अंगूरी को जेल में। और कोई कानून भाभी जी को जेल नहीं भेज सकता, और मेरे होते हुए भाभी जी का भाली बाका नहीं होगा। मैं भाभी जी को पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, पता ही मुझे क्या करना है। करना क्या है, काम पे लग जाइए। आइए आइए, चलिए, समय बहुत कम है, आइए आइए। अरे आइए ना यार। भाभी जी, देखने में ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसका धमाका इतनी जोर से होता है कि लोगों के तोते उड़ जाते हैं, और ये आड़ा फटता था भाई, एकदम आड़ा। बम नहीं भाभी जी, इस माइक, माइक माइक है, इसे कहते हैं ब्लूटूथ माइक भाभी जी। ब्लूटूथ? नहीं नहीं, ब्लूटूथ। फिर से बोलिए। ब्लूटूथ? ब्लूटूथ? ब्लूटूथ नहीं भाभी जी, इस बी एल यू ई टी ओ ओ टी एच। अबिलिटी ना अभी जी, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? आप ही तो लेकर आए ना, अभी हमको बोले रहे बिल्ली टीथ है। भभूती जी है, क्या सब है, सही से चल रहा है? अंगूरी को सही से सेट कर लिया? अभी तो करने को ही कर रहे हैं। है जी, क्या भाभी जी कुछ कह रही है? भैया है भरभूती जी ना, हमको बिल्ली टीथ के बारे में समझा रहे थे। अरे यार आप भी बड़े अजीब आदमी है यार, अंगूरी को क्या बिल्ली के दांतों का ट्रीटमेंट करना है जो आप उसे बिल्ली के दांतों के बारे में बता रहे हैं? भाभी जी तो है ही कम, लेकिन आप भी चवन्नी कम है, माफ कीजिएगा। क्या मतलब? मैं बता रहा था कि ब्लूटूथ के बारे में, कि ब्लूटूथ कैसे काम करता है, इसकी विशेषताएं बता रहा था। अच्छा अच्छा, इसके विषय में बता रहे थे, तो फिर आप वो ब्लूटूथ का उच्चारण का सही करवा रहे थे यार, जो काम
काम जो वो बताइए ना, जो काम की बात है। हेलो अग्रवाल साहब, कहीं से बात हो रही है? नहीं बात नहीं। हाँ जी जी हाँ, ऑर्डर मिल गया। अभी इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि इसको क्या कहें, इसको ब्लूटूथ कहें, ब्लूटूथ कहें या बिल्ली टूथ कहें। ये एक डिवाइस है, इसको आप कानों में लगाइए, इसको कनेक्ट करिए अपने फोन से ब्लूटूथ से, राइट? ये लीजिए, लगाइए कान से। तो वहाँ जब हमको कोनो कॉल करेगा तो यहाँ हमको इसमें सुनाई देगा। ओ माय गॉड, भाभी जी आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, आई सर गॉड। कई बार आप ऐसी बात करती हैं इंटेलिजेंस की कि मेरे पोते उड़ा जाती हैं। लीजिए लगाइए। तो पहले का है ना, सीधे सीधे बोले आप ब्लूटूथ। यार तुम्हें पागल करके छोड़े। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, कान में लगाइए इसको। हाँ। और अपने मोबाइल से कनेक्ट कीजिए। मैं भी अपने डिवाइस निकालता हूँ, अपने कान से कनेक्ट करता हूँ। आगे पता है हमको क्या करना है? अभी जी इसको जरा छुपा के लगाइए, कोई देखे ना। दैट्स बेटर, दैट्स बेटर। कनेक्ट किया आपने अपने ब्लूटूथ से? हाँ हाँ कर दिए। अच्छा मैं अब टेस्टिंग कर रहा हूँ भाभी जी। हाँ आप जवाब दीजिएगा। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भरभूती जी, भरभूती जी, भरभूती जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, 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 आ रही है। माइक टेस्टिंग 1 2 3। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। हाय दिया, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू भैया, थैंक यू अंकल। नमस्ते बेटी, हमें ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप सब यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। जी सेठ जी, वैसे भी आप तनख्वाह देने वाली पार्टी तो हो ना। हमने सोचा एजुकेशन ही प्राप्त कर ले। वैसे भैया, हाँ मतलब मेनू में क्या क्या है? गो हलवो, हलवो का हलवो काफी दिनों से मिस कर रहे थे हम। मेरे बेटे, तू मेरे बेटे की शादी में नहीं आया है, शिक्षा प्राप्त करने आया है। अरे अरे, विभूति सेठ ने कहा था कि शिक्षा के साथ साथ खाने को भी मिलेगा। हाँ तो मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। लेकिन भैया 2000 रुपए भी तो मिलेंगे। देख रहे हैं सक्सेना जी? जी हाँ मास्टर जी, देख रहा हूँ। यार ये भभूति जी ने किन भिखारियों को भेज दिया यहाँ? सुनो, ये तुम लोगों को भिखारी कह रहा है? तिवारी भैया, ये बहुत गलत बात है गई आपकी। भैया आई कान टॉयलेट, हम भिखारी कैसे आ गए? हम स्टूडेंट है। लेकिन तुम जैसे स्टूडेंट हो तो लगता है कि देश को डेंट पेंट की जरूरत है। ओ चचा, क्या? अरे हम यहाँ पर खुद नहीं आए थे, तुम्हारे भतीजे ने पहले हमारे गुर्दे से लाए थे, तब जाकर हमने यहाँ आना मंजूर किया है। आओ आओ पगली आओ। अरे टीचर जी, टीचर नमस्ते। नमस्ते टीचर जी। नमस्ते टीचर जी। नमस्ते नमस्ते, हेलो सर्वेंट्स। टीचर नहीं जी, स्टूडेंट कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन, सिट डाउन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्या? भाभी जी क्यों टॉपिक बना रही हैं? इट्स टॉपिक, TOPIC, टॉपिक। सही पकड़े हैं। हमने पीछे भभूति जी को इतनी भारी रकम देकर तुम्हारे गाइड के रूप में बैठा रखा, तुम तो गलत अंग्रेजी बोल रहे हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी बरबाला सुनाएंगे। भाभी जी वर्णमाला। सही पकड़े हैं, वर्णमाला सिखाएंगे। देख रहे हैं सक्सेना जी? जी हाँ मास्टर जी, सब देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। अगर ये गड़बड़ झाला नजदीक से देखना है तो क्यों ना हम भी स्टूडेंट बन के देखें? नॉट अ बैड आइडिया, आई लाइक इट, लेट्स गो। मैं कम इन टीचर माँ। भाभी जी, सक्सेना माँ साहब आए हैं, इनको आप भरपूर अंग्रेजी में डांटिएगा, समझी? और रिपीट करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। पूछिए इनसे, Why are you late? Why are you late? Actually, the traffic was going very slow. Shut up. Shut up.
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।